Ya Waris. Ya Waris. Ya Waris. जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, यहाँ जात पात का सवाल ही नहीं। सरकार वारिस से पाक ऐसी शान के मालिक। सरकार वारिस से पाक के एक एहराम पोश फकीर थे, वो एहराम पोश फकीर को शहर में आने की इजाजत नहीं थी। सरकार वारिस-ए-पाक की शान थी, सरकार जिसे एहराम अता करते, एहराम यानी के ये लिबास, ये लिबास जिसे अता करते तो सरकार वारिस-ए-पाक सबको अलग अलग तरीके से नसीहत किया, बैत लेने वालों को भी नसीहत देते, उसके बाद में बैत देते कि बैत लेने के बाद क्या करना क्या नहीं करना, किन चीजों से बचना, किन आमाल में लगना, इसकी हिदायत दे देते। सरकार ऐसे किसी को हिदायत बैत नहीं करते थे, किसी भी बैत नहीं देते थे, हर आने वाले को कुछ ना कुछ नसीहत करते थे। अगर कोई गैर भी आ जाता तो सरकार की शान देखो, सरकार क्या बंदी, मेरे से मोहब्बत कर लियो, मजहब बदलने की जरूरत। सरकार क्या बताती, अगर काफिर आगा सरकार से मोहब्बत कर रहा है, सरकार के आपको बैत लेना चाह रहा है, तो सरकार उसे क्या बताते, देखो मेरे से मोहब्बत रखो, पत्थर ना पूजो। क्या बता रही सरकार, पत्थर ना पूजो, झटके का गोश्त ना खाओ, यानी के मुर्दार गोश्त ना खाओ, पत्थर की पूजा ना करो, झूठ मत बोलो, चोरी ना करो। अगर व्यापारी है तो उसे बोलते तराजू में नाप तोल में कमी ना करो, अगर कोई हुकूमत वाला है तो उससे कहते कि इंसाफ का दामन ना छोड़ो, हमेशा इंसाफ के दामन को मजबूती से पकड़े रहो। अगर कोई दर्जी उनके पास हाथ पर बैठ होता तो सरकार उसे हिदायत देते, देखो कपड़ा चोरी ना करो, यानी कि दिल के अंदर जो जो कुफ्र भर को रहता है वो कुफ्र को निकाल देते थे, जात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब कुफुर खत्म होगा तो जात को पकड़ने को क्या करें। असल सरकार वाली से पाक की मेहनत थी कि कुफुर को खत्म करना और मोहब्बत को आम कर सको। या वारिस, या वारिस, या वारिस। अब सरकार के पास जो बैत लेते उनको सरकार वाली से पाक ये हिदायत देते थे, हिदायत देने के बाद में बैत देते, तो सरकार वारिस-ए-पाक की शान ऐसी निराली है कि सरकार वारिस-ए-पाक एक एहराम पोश फकीर को एहराम अता करे और उनको हिदायत दे डाले कि तुम्हें गांव के बाहर आओ, गांव के अंदर नहीं आना, हिदायत दिए और उनको जंगल के हवाले कर। कई सालों तक वो एहराम पोश फकीर जंगल में रहे, अचानक उनका मन करिया शहर में आए, गांव में दाखिल हो गए और गांव में दाखिल होकर पूरे गांव वाले को ऐलान कर लो कि इस गांव के अंदर रोशनी खूब होगी, खूब बाजे बजेंगे, खूब दावतें आम होगी, खूब इस्लाम का बोलबाला होगा, ऐसे जो है पूरे शहर गांव के अंदर ऐलान कर ले कर रहे। सब आदमियां सोचे ये कोई मजदूर है, पागल है, कुछ बोलने को चले आ रहे, सब उनकी बातों की तरफ ध्यान दिए। कुछ दिनों के बाद सरकार आलम पनाह वारिस-ए-पाक गांव को तशरीफ ले जाते,
अब सरकार वारिस पाक जहां तशरीफ ले ले को आते थे वो गांव ऐसा सादा नहीं रहता था, वो गांव में महफिल सजना शुरू हो जाते थे। वो जितना भी सीधा सादा गांव बंदे वो जन्नत का बाग नजर आने लगता। या वारिस, अब सरकार वारिस पाक तशरीफ मारे तो सारे गांव के अंदर रोशनी ही रोशनी है, लाइटिंग ही लाइटिंग है, सब के सब सरकार की आमद पर जश्न मनाना शुरू कर देंगे। अब सरकार जैसे गांव के अंदर आए तो खूब बैंड बाजे भी बज रहे सरकार की आमद पर। अब सरकार वारिस पाक गांव के अंदर दाखिल हो गए, सरकार गांव के अंदर दाखिल हो गए तो सारे के सारे गांव वाले ये चाह रहे कि हमें सरकार के हाथ को बैठ हो जाए। जो जो बात एहराम पोश फकीर भूल हो गए थे ये सारे बातें सामने आ रही। अब सारे के सारे गांव में आसपास के गांव वाले सब आकर सरकार वारिस पाक के हाथ को बैठ होना चाह रहे। अब इतना मजमा ज्यादा हो गए कि सरकार वारिस पाक एक एक को बैठ नहीं दे सकते। महीने गुजर जाती, साला लग जाती तो सरकार के चंद आशिक ये ऐलान करेंगे अब सरकार सबको एक साथ बैठ नहीं दे सकते, एक पे बड़ी लंबी चादर लहरा देंगे, जो जो चादर को पकड़ लेता है सब सरकार का मुरीद बन जाता है। फिर मजमा इतना ज्यादा था कहीं वो चादर को पकड़ने के चक्कर में आपस में भाग दौड़ ना मच जाए, लोग कहीं एक दूसरे पर टूट ना पड़े, लोगों की जानों को तकलीफ ना हो जाए, ये सोचकर सरकार आलम पना वारिस पाक ये ऐलान करे कि मुझे किसी ऊंची जगह पर खड़ा कर दो, किसी ऊंची जगह पर खड़ा कर दो। सब के सब सरकार आलम पना वारिस पाक को किसी ऊंची जगह पर खड़ा कर दिए। सरकार आलम पना वारिस पाक देखने में तो मामूली लगते थे, अब जैसे ही किसी ऊंची जगह खड़ा दली तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार आलम पना वारिस पाक आसमान तलक। या वारिस, या वारिस, पाक वारिस, या वारिस, पाक वारिस। सरकार की बात का लहजा बड़ा नरम और मासूमाना हुआ करता था, कभी जोर से आवाज नहीं निकलती थी। किसी को कुछ कहना होता तो लोगों को खरीद कर लेते, उसके कान के पास जाकर सरकार वारिस पाक आहिस्ता से हिदायत देते। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, सरकार वारिस पाक बुलंद जगह खड़े, आसमान तक सरकार नजर आ रही। सरकार आलम पना वारिस पाक ये ऐलान कर रही कि आज जो जो मुझे देखेगा वो सब मेरा मुरीद होगा। सरकार वारिस पाक को जो जो अदमिया जत्ते देखे सबके सब सरकार के बोले। सरकार वारिस पाक के ये एक आशिक की जुबान से निकले हुए अल्फाज पूरे के पूरे खरे उतरे कि यहाँ रोशनी भी हुई, ढोल बाजे भी बजे और हिदायत आम भी होगी। जब एक एहराम फकीर के अल्फाज इतने सच्चे और पक्के हैं तो हम सब के पीर वारिस पाक कितने सच्चे और पक्के हो। या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस। सरकार वारिस पाक क्या बता रही कि जितने आदमी मुझे देखे वो सब मेरे हो। सरकार वारिस पाक बास जगह किताबों में ये भी बता करती कि जिसने मुझे देखा वो मेरा मुरीद। मजमा ज्यादा था तो सरकार बताती मैं जिस ट्रेन में बैठने को जा रहा हूँ जो ट्रेन को देखता उन्हें भी मेरा मुरीद। अब ट्रेन भी इतनी दूर चलेगी कि ट्रेन नजर नहीं आएगी, मजमा बहुत ज्यादा है। सरकार बता रही ट्रेन का जो धुआं देखता उन्हें भी मेरा मुरीद।
अब ट्रेन का धुआं भी बाकी ज़ियाफ़त नहीं रहता, कुछ देर में ज़ाहिल हो जाता, खत्म हो जाता है। तो सरकार वारिस-ए-पाक बता दी, मैं जिस ट्रेन में बैठने को जाऊँ उस ट्रेन के पटरियां जिन्होंने देखती उन्होंने भी मेरे वारिस। यहाँ लाखों करोड़ों के मुरीदा है, तो हमारे जैसा कोई एक कम अकल का आदमी सोचा सरकार वारिस-ए-पाक के इतने लाखों करोड़ों मुरीदा है, क्या सरकार वारिस-ए-पाक सबको याद रखो रहती है? दिल में गुमान पैदा होगा सरकार वारिस-ए-पाक से मिलने की गरज से सरकार के पास हाजिर होगा। अब सरकार के पास जैसे ही हाजिर होगा दिल में ये गुमान था कि सरकार वारिस-ए-पाक सबको याद रखी या नहीं रखी। अब जैसे ही सरकार वारिस-ए-पाक के ऊपर एक नजर पड़ी, सरकार के चेहरे मुबारक को देखे, तो सरकार वारिस-ए-पाक की पेशानी में जितने मुरीदान थे सारे के सारे समाये हुए, जिन्हों गुमान करने को गए थे उनकी तस्वीर भी उसके अंदर मौजूद। सरकार वारिस-ए-पाक किसी के गुमान को जवाब जबान से नहीं देते थे बल्कि उसका जवाब जाहिर करके बताओ। दिल में गुमान रखने की जरूरत नहीं है, मैं अमल से पेश कर रहा हूं, ये सरकार वारिस-ए-पाक की शान। ये कश्मीर चौधरी खुदा बख्श वारसी रहमतुल्लाह है, सरकार से मुरीद होने गए, सरकार से मुरीद होने की गरज से, सरकार की जियारत की गरज से सरकार वारिस-ए-पाक के आस्थाने को। अब जैसे ही सरकार के आस्थाने को हाजिरी दी है तो बाहर से सरकार के आशिकाम बोले जरा फिर बाहर ठहर जाओ, अंदर बैठ का प्रोग्राम हो, अंदर बैठ देने को है सरकार वारिस-ए-पाक, तुम्हें याद बैठोगे। कुछ देर बैठे ही थे कि सरकार वारिस-ए-पाक बाहर है, सब आशिकां एहतराम से उठकर खड़े हो, सरकार जल्दी जल्दी चले। अभी ये आशिकां सरकार का दीदार कर तो बैठे भी नहीं थे कि सरकार वारिस-ए-पाक चौधरी खुदा बख्श को अंदर बुलाओ कर दो। ये चौधरी खुदा बख्श हैरान हो गए, परेशान हो गए, अभी अभी तो सरकार वारिस-ए-पाक बाहर गए फिर अंदर से बुलाव आ रहा है, क्या माजरा, चलो जाग देखेंगे। अंदर परेशानी के आलम में जाको देख रही तो सरकार वारिस-ए-पाक अंदर ही बैठ गए, अभी पूछने भी नहीं पड़े थे कि सरकार ये क्या माजरा कर दो, सरकार मुस्कुरा को बोल रही चौधरी खुदा बख्श सोचने की बात नहीं है। अभी अभी एक शख्स आया था वो हमसे बैत हुआ, हमारा मुरीद हुआ, जो हमसे बैत होता है जो हमारा मुरीद बनता है उसे हम अपना सा बना लेते हैं, उसे हम अपना सा बना लेते हैं, अपनी शक्ल भी उसे दे देते हैं। या वारिस हक वारिस या वारिस हक वारिस या वारिस हक वारिस या वारिस हक वारिस या वारिस हक वारिस। अब बाहर जाकर उसकी अपनी किस्मत है, उसका अपना मुकद्दर है कि वो बाहर जाकर कौन सी शक्ल इख्तियार कर रहे। बाहर की दुनिया में बहरूपीय चेहरे बहुत ज्यादा हैं, मालूम नहीं कौन किसकी शक्ल में आपको किसे गुमराह कर दो। बाहर कैसे कैसे शक्ल हैं, कोई जादूगर की शक्ल में, कोई व्यापारी की शक्ल में है, कोई हामिल की शक्ल में है, कोई जिन्नाता को कैद करने की शक्ल में है, कोई बंदिश बनाने वाले की शक्ल में है। सरकार वारिस-ए-पाक एक जगह साफ साफ बताती कि हमारे सिलसिले में गंडा तावीज हराम है, गंडा तावीज हराम है, जो गंडा तावीज करे वो हमारे हल्के बैठ में। अब हमें बाहर जाने के बाद
बैठ होकर वारसी बन को बाहर जाने के बाद हमें इस चीज की तलाश में रहना कि हमारे पीर भैया का हमारे सिलसिले वाले पीर भैया का ही को से अल्लाह वाले के सोहबत में रहे तो ये शक्ल हमारी बाकी रहती है। अगर किसी बहरूपिये के साथ में मिल गए तो हमारी शक्ल वैसी बन जाते जैसा वो बहरूपिया। तो हमें अपने ईमान को हमारी आशिकी को हमारी मुरीदी को हमें बचा कर रखना जरूरी है। हमारी आशिकी को हमेशा हमें तलाश करते रहना कि हमें किसके साथ रहे तो हमारी आशिकी बच कर रखे। अगर हमें गैर गलत अदमियों का सोहबत करे तो हमारी आशिकी पना हो जाते। हमें बस नाम के वारसियां रहती नाम के मुरीदा रह जाती काम तो कुछ भी होता। तो सरकार आलम पना वारिस पाक के हमें सब मुरीदा है उनके नाम लेवा है। तो हमें अपनी आशिकी को बचा को रखना हमारी जितनी भी मोहब्बत है वो सब की सब सरकार वारिस पाक के नाम का। सरकार वारिस पाक अपने आशिकों को एक लम्हे के वास्ते भी नहीं देता। हमारी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी करने वाले वारिस पाक। अब आशिकों का भी फर्ज बनता है कि हमें एक सांस भी बगैर याद इलाही के खाली नहीं जाए। बगैर हमारे पीर की याद के हमारी एक सांस भी खाली नहीं जाना। ऐसी आशिकी हमें सब पैदा करो। सरकार आलम पना वारिस पाक हमारे ये बोलने और सुनने को कबूल फरमा दे। हमारी आशिकी को सरकार वारिस पाक कबूल फरमा दे। जो बोले सुने सरकार आलम पना